सो हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में आप लोगों के लाया हूँ रैंक गेम में सोलो से स्क्वाड। तो मैंने कहा था आप लोगों से कि कल अपलोड करूँगा आप लोगों के लिए वाली वीडियो, पर यार कल बहुत ट्राई करा यार, पर हुए नहीं। सोलो से स्क्वाड का विन ही नहीं हुआ एक मैच सही सा। तो जब मैंने विन करा तो भाई क्या बताऊँ, मुझे मज़ा सही आ गई। यहाँ मैच आप लोगों को देख के मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि वैसे मैं ज़्यादातर सोलो से स्क्वाड खेलता नहीं, तो आजकल मैं ट्राई कर रहा हूँ सोलो से स्क्वाड का। तो इसमें 9 किल्स हुए थे मेरा, आप लोग देखना यहाँ पे एक स्क्वाड वाइप है यहाँ पे, और मतलब बहुत सारे स्क्वाड वाइप आप लोग देखना। तो यहाँ पे एक मुझे बंदा मिला, पहले मैं उतरा था पीक पे, पहले मुझे क्लॉक टावर पर उतरना था, पर मेरी स्क्रीन नहीं लोड हुई। आप लोगों को पता है यहाँ पे थोड़े बहुत ग्लिच आए थे फ्री फायर में, तो मैं यहाँ पर उतरा तो मुझे ये दिखा आगे से, पर ये क्या है, बंदा ये आगे चला गया था। फिर खिड़की से मुझे मुंडी दिखा रहा था अपनी, मैंने उसको पट 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 कर दिया इसको, पर फिर भी हमारा नहीं। तो ये ओपन में आ गया बंदा, और ओपन में आया तो बस ख़त्म था ये। वैसे मैं भी ख़त्म हो जाता, देखो मेरी हेल्थ देखो 5 HP, 5 HP में मतलब मैं बहुत बारी बचाऊँ। क्लासिक खेलो या फिर रैंक, मतलब ज़्यादातर मैं बच जाता हूँ 5 HP, पता नहीं क्यों, पर यार तुक्का लग जाता है मेरा। तो इसको मारने के बाद मुझे लगा कि यार कहीं स्क्वाड ना आ जाए पीछे से, तो मैंने यहाँ पे हेलमेट वेलमेट लिया, और फिर मैंने सोचा यार कुछ ना कुछ तो करना है यहाँ पे। तो मैं लैंड में थी, मैंने सोचा क्यों ना कुछ हरकत की जाए। पहले मैंने लूट करी, पर तो पहले मैं अंदर गया यहाँ पे, सोच देख रहा था मैं स्क्वाड आएगी कि नहीं आएगी। तो मैंने लैंड में ली और यहाँ पे 2 लैंड में लगा दी। वैसे इनसे कोई मारा तो था नहीं, पर फिर भी लगा देनी चाहिए है तो फिर अगर लैंड में। और फिर मुझे अलग घर दिखा जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था बैठने के लिए, पर मैंने सोचा यार कैंपिंग नहीं करनी, यहाँ पे बंदों को मारना है। क्योंकि देखो अगर आप लोग सोलो से स्क्वाड खेलते ना, अगर आप लोगों की किल नहीं है ना ज़्यादा, तो आप लोगों की रैंक भी नहीं बढ़ेगी। तो यहाँ से निकलने के बाद मैं यहाँ आया पीक के मेन वाले हाउस पे, जहाँ पे आप लोग ज़्यादातर जाते ही होंगे। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे वेस्ट अपग्रेडर दिखा, पर मैंने इसको लिया नहीं, क्योंकि आगे से आप लोग देख ही सकते हैं यहाँ पे एक गाड़ी आ रही थी। पता नहीं एक है यहाँ पे 2 है, उस टाइम तो मुझे 2 दिख रही थी, पर दूसरी मुझे दिखी नहीं कहीं भी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, तो मैंने यहाँ पर एक बंदे को मारा और ये नॉक भी हो गया। तो उसको नॉक करने के बाद मैंने सोचा था रश करूँ, और मैंने वही किया, क्योंकि मुझे लगा कि यार अकेला बंदा है इसको तो ठोक दूंगा, पर मैं यहाँ पे गलत साबित हो गया, क्योंकि यहाँ पर पूरी स्क्वाड थी। और फिर क्या हुआ आप लोग देखो, तो यहाँ पे एक बंदा आया, तो यहाँ पे मैं 2 बंदे देखे, मैं डर गया भाई, मैं सोच रहा भाई अब तो गया मैं। पर मेरी किस्मत देखो, ये जो बंदा था ना दूसरा वाला, इसके नेटवर्क चले गए थे, तो अब उनने कर दी यहाँ पूरी स्क्वाड वाइप। और जो पीछे से बंदा मार रहा था वो भी घूम के आ रहा था, रोटेट मार रहा था वो। तो यहाँ पे हो गया एक स्क्वाड वाइप, और अब मेरे को मिल गए 5 किल। तो फिर आप लोग यहाँ पे देख रहे हो रिक्शा, तो यहाँ पे रिक्शा ने बड़ी हेल्प करी भाई। अभी रिक्शा तो नहीं लूँगा पहले, ये जब तक गाड़ी नहीं टूटेगी जब तक नहीं लूँगा मैं रिक्शा। तो पहले मैंने यहाँ से गाड़ी ली, ठीक है, और मुझे समझे आमो आमो जो भी था मिल गया। और इधर से यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरी गोली लगी थी, तो मैंने देखा यार ये गोली लगी कहाँ से। मैंने सोचा कि कहीं स्क्वाड है या फिर अकेला बंदा है, पर मैं डर ही नहीं रहा था मतलब उस टाइम, क्योंकि भाई 5 किल कर दिया यार, अब इसमें डरना क्या। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा TPP लिया यहाँ से, जो कि आप लोग कह नहीं सकते। पर यहाँ पे मैंने बाहर जैसे निकला तो मेरे फिर पड़ी गोलियाँ, ज़्यादा ने डैमेज तो हुआ नहीं, पर फिर भी कर गया लड़का डैमेज जो भी था ये। तो यहाँ पे हमने थोड़ी हीलिंग शीलिंग करी, और देखा यहाँ पर दिख ही नहीं रहा था कोई, पता नहीं कहाँ से मार रहा था ये। तो फिर मैंने सोचा चलो गाड़ी जाते देखते हैं किधर से पड़ेंगी, तो फिर पड़ी मेरे जैसे कि मुझे लगा ही था। और यहाँ पर मैंने गाड़ी ठोक दी, फिर मैं बैठा, फिर मैंने सोचा रोटेट मारा जाए, मतलब यहाँ से ना साइड से घूम के जाएंगे, क्योंकि अगर सामने सामने जाऊँगा तो हेडशॉट भी मार सकता बंदा, अगर साइलेंस स्कोप पे होगा तो। वैसे ऑटो में भी ठोक सकता मुझे, मतलब डिफॉल्ट में भी हो तो भी ठोक सकता मुझे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इस वाले घर में देखा, क्योंकि मुझे इधर से ही शॉट पड़ रहे थे। तो मैंने यहाँ से पहले इसको मारा, मुझे लगा यहाँ पर पूरी स्क्वाड है, मैं तो गया, क्योंकि जो मैंने ऊपर से बंदा देखा था वो थोड़ा अलग सा कपड़े में पहन रहा था, पर वो बंदा एक ही था ये देख लो। तो मैं इसलिए नीचे जंप मारी थी, और ये बंदा जो है यार आ ही नहीं रहा था, क्योंकि उस टाइम थोड़ी सी लैग सी होती है गेम रिकॉर्डिंग करते टाइम, मैंने थोड़ी सी हो रही थी गेम लैग, और सेंसिटिविटी मैंने थोड़ी बढ़ा रखी थी फॉर बेटर एक्सपीरियंस। तो फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बंदा नीचे कूदा और गाड़ी लेके वो भाग गया। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो मैं गाड़ी लाया था वही लेके भाग गया, वो जो बिल्कुल मतलब जिसकी जरा सी हेल्थ थी। और यहाँ पे UAV भी आ रहा था, पर मेरे सिर पे तो था नहीं वो, तो उससे मुझे एनिमी का पता ही नहीं चला। और देख सकते हो यहाँ पे गाड़ी लेके हो गया फरार, और मुझे एक देख रहा था बंदा, स्पेक्टेट कर रहा था, पता नहीं कौन था ये। तो फिर भाई मैंने क्या करा, जैसे कि मुझे पता था कि यहाँ पे भाई लूट थी, तो उसकी वजह से मैं लूट भी नहीं कर पाया था, क्योंकि मैंने सोचा कि अगर मैं लूट करूँगा यहाँ पे तो कोई मुझे शूट ना कर दे कोई। तो इसलिए फिर मैंने
वापस आया वापस, और यहाँ पे मुझे संजयामो मिल गया जो कि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इतना खास था संजयामो मिलाने पर, जो भी था काम चलाऊ के लिए मिल गया था संजयामो। फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत देख रहा था कि है नहीं बंदे, तो नहीं थे यहाँ पे। और ए आराम हो तो बस क्या बताऊँ, इतना सारा ए आराम हो गया था। कभी ऐसा संजयामो इतना हो जाता है कि भाई मतलब क्या बताऊँ, बैग खाली करने पड़ता है। तो आप लास्ट में देखोगे आप लोग तो ए आराम मेरे पास बहुत ज़्यादा हो गया था। तो ये जो रिक्शा है ना भाई, रिक्शे को यार अंडर एस्टिमेट मत करना कभी भी। मतलब जो भी है भाई, काम बचा दिया इसने, मतलब बचा दिया मुझे कैसे भी करके। लास्ट में मतलब यही व्हीकल था मेरे पास। अभी गाड़ी तो आप लोगों ने देख लिया था, वो चोरी करके ले गया मेरी गाड़ी। तो फिर मैं यहाँ पे साले घर में गया, क्योंकि मुझे वेस्ट अपग्रेड दिख रहा था। आप लोग देख सकते हो मेरी वेस्ट की हालत कितनी अच्छी है। तो यहाँ पे अपग्रेड करने के बाद यहाँ पे मैंने स्पीड हैक लगाया थोड़ा बहुत, और जल्दी से निकल गया मैं। स्पीड हैक नहीं, मतलब मैंने स्किप कर दी थोड़ी सी वीडियो। तब मैंने अपग्रेडर लेने के बाद यहाँ से निकला। और जब आप लोग यहाँ से जाओगे, मतलब मैं जब यहाँ से गया, तो यहाँ पर मुझे दिखा एक ड्रॉप मंगा रखा किसी ने। तो मैं सोचा देखते हैं यार ड्रॉप के पास बंदे तो होंगे पक्का। तो मैं थोड़ा ज़्यादा पास नहीं गया, और मैंने दूर से देख लिया यहाँ पे टावर के पास बंदे थे बहुत सारे। ओ भाई, मैं तो फिर जो भागा क्या बताऊँ, इस रिक्शे ने बचा लिया सही में। और फिर मैंने सोचा कि यहाँ पर टावर पर जाया जाए, पर मुझे आगे एक दो बंदे दिख रहे थे, ये देख सकते हो। फिर मैंने इसको रिक्शे से ठोक दिया, क्योंकि भाई सामने आ रहा था यार, ठोक दो। तो ये भी स्क्वाड का था बंदा, तो दो बंदे मर गए डायरेक्ट यहाँ पे, मरे हो गए। फिर 6 किल, दूसरा पता नहीं मारा क्यों नहीं। तो आप लोग फिर यहाँ पे चढ़ा, और मैं सोच रहा लूट करूँ, पर जैसे मॉन्स्टर देखा मैं उल्टा भाग गया। मैंने कहा नहीं भाई, नहीं, लूट वूट क्या होते भाई हमें नहीं पता। और यहाँ पे देख लो यार आमो कितना हो गया, ए आर आमो 330 ए आर आमो हो गया मेरे पास। तो फिर यहाँ पे मुझे थोड़ा बहुत ए आर आमो गिराना पड़ा, जो कि ज़रूरी था, क्योंकि इतना ए आर आमो की जरूरत नहीं पड़ती। तो वो जो बंदा मरा नहीं था वो ये था यहाँ पे। अब हुआ है मेरे 7 किल। मैं सोच रहा था कहाँ था वो बंदा। तो यहाँ पे ए आर आमो गिरा है, फिर भी मेरा बहुत सारा ए आर आमो था। तो यहाँ पे एक सीढ़ियों पे एक एस एम जी आमो पड़ा होता, ये ले लिया मैंने। फिर मैं यहाँ पे वापस बैठा, तो मैं नीचे जा नहीं रहा था, क्योंकि यार एक स्क्वाड देखी नहीं मैंने। मुझे लगा कहीं वो मेरे पर रशना मार दे, और मैं अकेला वैसे ही तो मुझे ठोक देंगे वो। तो मैंने वेट करा कि यहाँ से सब चले जाएँ, फिर मैं लूट करूँगा आराम से। और यार क्योंकि भूया करना था यहाँ पे, और मैं अकेला बंदा था, और गेम भी इस टाइम ज़्यादा खास चल नहीं रही थी, बहुत ज़्यादा अटक अटक के चल रही थी। जो भी है मतलब जुगाड़ लगा लगा के रिकॉर्डिंग हो रही है, छोड़ चलो वो बात नहीं करेंगे हम। तो यहाँ पे तो कोई बंदा आ नहीं रहा था। फिर मैंने गाड़ी वाड़ी भी चेक कर ली। तो यहाँ से मैंने लूट वूट करी, एस एम जी आमो तो मिला मुझे यहाँ पे थोड़ा बहुत, ये जो मिला तो भाई मज़े से आ गए थे मेरे। पर ए आर आमो ज़्यादा तो मैं इसलिए एस एम जी आमो उठा नहीं पाया। फिर मैंने रिक्शा लिया, और मैं तो भाग गया भाई यहाँ से, क्योंकि उस टाइम भागना ही सही रहा। तो मैंने यहाँ पे भागा यहाँ से, और मैं इधर आ गया हैकिंग यूज़ करके, देखा टेलीपोर्ट करके आ गया मैं एकदम से, एडिट है यार। तो यहाँ पे आगे बंदे दिख रहे थे मुझे। तो फिर भाई मैंने सोचा भाई हमसे ना हो पाएगा, हम तो निकल रहे हैं यहाँ से। तो आप लोग क्या हो गया यार, कैसा फट्टू है यहाँ से निकल गया यार, ऐसी बात नहीं है, देखो कितने बंदे मार रहे हैं। तो इसलिए यहाँ से निकलना सही था, अगर मैं लड़ता यहाँ से। और टुक टुक देख लो यार, टुक टुक है मेरे पास वैसे भी, क्योंकि यहाँ पे कवर नहीं था, मेन चीज़ यही थी, बस कवर नहीं था। वरना तो घर वर होते ना, मतलब तो मैं मार देता इन्हें, कवर की दिक्कत थी, वरना तो मैं यहाँ से आराम से मार देता इन्हें। तो फिर मैंने टुक टुक को छोड़ा, और यहाँ पे अपनी जीप उठा ली। और यार जीप वाली वीडियो का क्या बताऊँ, सब लोग कह रहे लैम्बोर्गिनी दिखाई भाई तूने। तो यार लैम्बोर्गिनी उस टाइम आई नहीं थी, अब वो लोग पता नहीं देख रहे होंगे कि नहीं। सब मुझे कमेंट करके रहते हैं कि यार तूने लैम्बोर्गिनी दिखाई, वो पुरानी वीडियो से मैंने जीप को फर्स्ट बता दिया। सब कहते हैं कि तूने लैम्बोर्गिनी क्यों नहीं दिखाई। तो छोड़ो चलो, वीडियो के बाद बात में कर देंगे। तो फिर मैंने यहाँ पे 20 सेकंड तक रुका, कि जब तक 20 सेकंड का अलार्म नहीं आएगा, जब तक नहीं भागूंगा यहाँ से। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत वेट करा। तो वेट करने के बाद मैं यहाँ पे आ गया, बहुत तगड़ी वाली हैकिंग यूज़ करके, और एक बंदे को मैंने गाड़ी से ठोक दिया, क्योंकि यार यहाँ पर उतरना थोड़ा सही नहीं था। और यहाँ पर दो ही बंदे रह गए थे, तो मैंने देखना था मुझे दूसरा बंदा कहाँ है। पहली बात तो मुझे इसको मारना था, क्योंकि किल चाहिए था हमें। तो फिर मैं यहाँ से उतर गया, क्योंकि यार अब नहीं गाड़ी से जाया जाएगा, क्योंकि गाड़ी से जाऊँगा तो ये बंदा मार भी सकता है। जो बंदा टॉप 2 तक सर्वाइव कर सकता है वो मार भी सकता है मुझे। तो इस टाइम मुझे खेलना था थोड़ा सा सेफ। तो मैंने गाड़ी ली आगे, और यहाँ पे इसके पास में को रोकी थोड़ी सी, ताकि मुझे डायरेक्शन मिल जाए। ये फिर मैंने इसको कर दिया हैंग, ये ख़त्म। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसे इस चैनल पे बने रहे। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन दबा दो। और अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक पे
क्लिक करके आप लोग इंस्टाग्राम की आईडी पे फॉलो कर लो। तो यहाँ पे प्लेटिनम 2 पर आ चुका हूँ मैं, क्योंकि यार एक्सपेरिमेंट करते रहता हूँ तो रैंक माइनस हो जाते हैं भाई। चिंता मत करो, फिर से डायमंड पर आ जाऊँगा मैं। तो बस मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।